हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम लवली पीपल, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड हैविंग अ ग्रेट डे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल आमना एंड आसिम विद अ वेरी ब्रांड न्यू वीडियो। एंड जुमा मुबारक, ऑफ कोर्स खुद की आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा, आज जुमे का दिन है। इट्स 4th नवंबर 2022 एंड वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। यू गाइज वुड बी वंडरिंग दैट वाई आई एम शोइंग दीज प्लांट्स टू यू, बिकॉज ये है ही प्लांट्स से रिलेटेड वीडियो। जी हाँ, आज मैंने सोचा कि मैं आपको जो है अपनी प्लांट्स की कलेक्शन दिखाऊँ, और मुझे अचानक से ही क्रेज़ चला है प्लांटेशन करने का, प्लांट्स रखने का घर के अंदर, बिकॉज ऐसे मेरे पास कोई भी प्लांट्स नहीं थे बिफोर। बट 2 महीने में मुझे इतना क्रेज़ चला है, मैंने इतनी बार ट्राई किया है। जैसे जैसे आप वीडियो के आगे जाएंगे, आप यही बोलेंगे जैसे कि ये प्लांट है और ये पहले किसी और पॉट में था और पहले किसी और जगह पे था, लेकिन वहाँ पे ये मुरझा रहा था, मर रहा था, क्योंकि वो पॉट छोटा था। तो फिर मैंने इसको हांडी में डाला फॉर एस्थेटिक ऑफ कोर्स, और अब माशाल्लाह से इट्स ग्रोइंग, इट्स डूइंग वेल। बट ये प्लांट, इसको अचानक से क्या हुआ, ये बंच अचानक से कल रात ही को अपनी टहनी से बाहर निकल गया है, खुद ब खुद बिल्कुल अलग हो गया, नहीं तो इट वॉज़ ग्रोइंग सो वेल, इट वॉज़ डूइंग वेल। तो अभी मैंने इसको पानी में डाल के यहाँ रखा है कि अल्लाह करे इसकी रूट्स निकल जाएँ और मैं इसको फिर से जो है लगा सकूँ पॉट में, एंड मे बी इट ग्रोस अगेन इंशाल्लाह। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं एटिंग। इसका मतलब यही है कि आप जो है प्लांट की कोई टहनी या उसका कोई पीस अलग करके उसको पानी में रखें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें, मतलब कि उस प्लांट को ग्रो और ग्रो करने की कोशिश करें। तो आई होप इट वर्क्स और इसमें से रूट्स निकलें। ये देखें, यहाँ पे वो प्लांट था और ये देखें ये टहनी से बिल्कुल अलग हो गया, एंड आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज माय फॉल्ट, और ऐसे क्यों हुआ, मतलब इट वाज डूइंग सो वेल। और इसको मैंने इस प्लांटर में रखा है, ये सुपर स्टेनलेस स्टील की तरफ से आया था प्लांटर, आपको याद होगी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो ये प्लांटर बहुत ही खूबसूरत सा प्लांटर है, इसके अंदर मैंने रखा था एंड इट वॉज लुकिंग सो नाइस इन इट। खैर ये देखें आप, हम थोड़ा सा वाटरिंग कर देते हैं इसको, और उसके बाद आई वुड टेक यू इन द फ्लैश बैक टू ऑल द प्रोसेस, के मैं अभी जो ये मेरे पास जो 4 प्लांट्स हैं वो कैसे मैं यहाँ तक पहुँची। अच्छा, ये रात की रानी है एंड इट इज़ डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल। ओके, सो लेट मी शो यू मोर। और ये 2 प्लांटर्स जो हैं हैंडमेड प्लांटर्स, हैंड पेंटेड प्लांटर्स भी आए थे मुझे, और इसकी भी अनबॉक्सिंग की थी, आई विल बी शेयरिंग द लिंक। तो बहुत खूबसूरत से छोटे से प्लांटर्स हैं और इनको मैंने इंडोर रखा है, और ये मैंने ये प्लांट इसमें लगाया हुआ है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल इन इट, और बहुत ही क्यूट सा छोटा सा प्लांट है, और ये मैंने इंडोर रखा हुआ है। और ये दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो कि फ़ेल हो गया। अच्छा, ये भी पुरानी क्लिप है तो मैं बता दूँ वो एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया था, तो उसके बारे में बात करना ही छोड़ें। अच्छा, ये मैंने बोला था ना मैं आपको फ्लैशबैक भी लेके जाऊंगी, तो ये है कुछ डेज पहले की वीडियो, ये है वो रात की रानी जो मैंने आपको बताया था, जो अभी माशाल्लाह से अच्छी हो गई है ये। और उसके बाद जो है ना, ये मेरे पास जो प्लांट आपने जो उसमें देखा था हांडी में, तो पहले मैंने इसमें डाला था इसको, ये मैंने प्लांटर लिया था दराज से, इसकी लिंक मैं डाल दूंगी। और ये देखें, ये प्रोसेस चल रहा है प्लांटर में डालने का, और ये वही 2 छोटे प्लांटर्स हैं, और ये देखें मैं इसको जो है इसमें डलवा रही हूँ। अच्छा, पहले मैंने जो ये प्लांट है, ये जो है मैंने पहले इसी ब्लैक एंड वाइट प्लांटर में रखा था, लेकिन इसकी रूट ज़्यादा है और उसको बहुत छोटा पड़ रहा था, तो फिर हमने इसको इस वाइट प्लांटर में शिफ्ट किया जो रेक्टेंगुलर प्लांटर है। और ये देखें, ये वही प्लांट है जो अब बिल्कुल मुरझा सा किया है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो इतना खूबसूरत लग रहा था इसमें। खैर, ये मैं इसको रेक्टेंगुलर प्लांटर में पहले मैंने लगवाया कि मुझे लगा इसके लिए काफ़ी होंगे इसकी रूट्स के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें भी वो फिर जो है बहुत मुरझा रहा था, तो फिर हमने उसको हांडी में डाला, एंड मतलब उसको 3 बार हमने जो है उसकी जगह चेंज की है, और अब जाके वो हांडी में है एंड इट्स डूइंग वेल। नहीं तो दोनों जो है, ये रेक्टेंगुलर प्लांटर में भी और ये छोटे ब्लैक एंड वाइट में भी एडजस्ट नहीं हुआ था वो। तो ये रेक्टेंगुलर प्लांटर प्लास्टिक के हैं और ये दराज से आपको मिल जाएंगे, और इट वाज ओनली फॉर 99 रुपीज़। जी हाँ, 99 रुपीज़ के थे और मैंने 2 ऑर्डर किए थे, तो ये बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी दराज का नीचे डिस्क्रिप्शन में,
तो आप भी जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो है ना बेसिकली छोटे प्लांट्स के लिए हैं, या फिर अगर आप सीड्स के थ्रू कोई प्लांट्स जो है ना उगाना चाहें उनके लिए ये प्लांटर्स बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो प्लांट है इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा हैं और फिर ये गोल रूट्स हैं मतलब, तो इसलिए रेक्टेंगुलर में एडजस्ट नहीं हो पाई। तो इसके लिए जो है ना कुछ जो प्लांट्स आप बिल्कुल इनिशिएट करें उनको ग्रो करना, तो उसके लिए रेक्टेंगुलर प्लांटर्स परफेक्ट है। खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सही है, देखें आपकी तरफ से मुंह फेर लिया किसने? अच्छा जी, ये भी एक ओल्ड क्लिप है और जैसे मैंने बोला था ये पौधा पहले मैंने छोटे प्लांट में डाला हुआ था वो देखें, और इसको जो है मैंने हैंग किया था पहले और उसमें भी ये काम नहीं किया। और ये मेरी रात की रानी है, वो पहली जो जगह है ना रात की रानी की वो उसमें ही थी। और ये जो है दूसरा ड्रिफिन बेलिया है जो बाहर रखा हुआ है अब मैंने। एंड ये देखें, ये जो हुआ था प्लांट्स वॉशिंग डे हुआ था और ये पहले की क्लिप है, तो उस वक्त जो है मेरे जो प्लेसमेंट हुई हुई थी वो इस तरह थी, वो हैंग किया हुआ था और वो वाला मैंने इंडोर रखा हुआ था। सो रिसेंटली माय किड्स हैड अ प्लांटेशन एक्टिविटी एट स्कूल एंड अभी नोटिस करते हुए आई सॉ दिस, यस देयर आर सम काइंड ऑफ प्लांट्स कमिंग आउट एंड आई I'm so happy. That's a progress. So yeah, happy for the new plants, but this leaf is little bit damaged, but I hope this doesn't die. And जब हमने ये ख़रीदा था ये plant, then it have got a lot of leaves, but अचानक से I don't know क्या हुआ, but every leaf was dead. But now it's growing new leaves like this. This one is a new leaf and I hope this doesn't die. And one more is coming from here, inshallah. This stem will grow into a leaf very soon. And this planter is from stainless steel planters, as I have mentioned a lot of times on my stories and on my feed as well. So that's the plant update. Okay, so here I am happy to show you guys that the plants that my kids bought from school are doing very well and they are growing very well. So let me put these in these pots. Okay, ji, so this is the time when I shifted the school plants to the new pots, जो कि उस वक्त new थे, black and white pots. उस वक्त मैं इसको जो है directly soil के थ्रू डलवाया और साथ में ये नया प्लांट आया था जिसको मैंने हैंग करवा दिया था पहले में। और तीसरी बात, ये वाला भी न्यू प्लांट आया था उस वक्त, फॉर द फर्स्ट टाइम ये आया था, ख़रीद के लाए थे और उसको मैंने भी ब्लैक एंड वाइट पॉट में डलवा दिया था। तो इनिशियली जो है ड्रिफिन बेलिया तो बहुत पहले का है मेरे पास, वो तो मैंने वही जो है गोल्डर प्लांटर में रखा था, मतलब कि वही स्टेनलेस स्टील वाले प्लांटर में रखा था। सेकेंडली ये वाला जो है प्लांट, इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट में डलवाया था और साथ में स्कूल प्लांट्स को ब्लैक एंड वाइट में डलवा दिया था, तो दो पॉट्स वो गए थे। और थर्डली मैंने एक प्लांट हैंग करवाया था। सो दैट वाज द प्रीवियस क्लिप, और ये सबसे पहले इनिशिएट किया था हमने। एंड देन उसके बाद वी स्टार्टेड चेंजिंग पोजीशंस एंड पॉट्स फॉर द प्लांट्स बिकॉज दे वर डूइंग वेल एंड दे वर डाइंग ऑफ कोर्स। तो उसके बाद वी स्टार्टेड डूइंग दैट। तो दैट्स एन ओल्ड क्लिप एंड हियर वी आर पुटिंग द प्लांट्स इन द पॉट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सेट करने थोड़ा इसको। वो मुझे क्या दे रही है? मम्मा कर रहे हो? मम्मा आरो क्या कर रहे हो? हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ। तेरे को कुछ हो गया मामा? किसकी डाइनिंग आई है? गोल करना है इसको।
और ये देखें तो फर्स्ट लुक जो आई थी वो इस तरह आई थी। ये दो पॉट्स हुए थे, साथ में ये हैंगिंग हुआ था और साथ में जो है हमारी रात की रानी का गमला और रात की रानी भी आई थी और उसको भी फिर हमने गमले में डाला था। और फिर ओके जी, सो दैट्स इट, दैट्स दी जर्नी। और ये वही आज का दिन है, मतलब कि इट्स एन ओल्ड जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 3 to 4 months की जर्नी है। एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, बट ऑफ कोर्स वी फेल्ड ड्रास्टिकली। बट स्टिल जो है फर्स्ट टाइम कुछ भी ट्राई करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें कामयाब तो नहीं होते हैं। वी डिडंट न्यू अलॉट अबाउट प्लांट्स या इनको किस तरह रखना है, बट वी स्टिल ट्राइड। और ये देखें ये प्लांट्स हैं एंड आई होप दैट दे डू वेरी वेल एंड दे ग्रो। और उसके बाद जो है फिर हम इंशाल्लाह न्यू प्लांट्स भी लाएंगे। सो ऑफकोर्स होप जो है हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वी आर स्टिल वेरी होपफुल के ये प्लांट्स विल डू वेरी वेल एंड देन वी विल बी ब्रिंगिंग न्यू प्लांट्स एट होम इंशाल्लाह। सो दैट वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द कंपाइलेशन। सो डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट एंड डू रिंग द बेल आइकन। सो इट वॉज़ अ लवली वीडियो एंड आई ऑल्सो होप कि आपको अच्छी लगी हो। और आप भी बताइएगा कि किसको प्लांट्स का शौक है और किन के घरों में प्लांट्स हैं और आप लोग उसके कैसे ख्याल रखते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट टाइम, विल बी ब्रिंगिंग अ न्यू वीडियो सून, टेक केयर।